नमस्कार, वॉइस ऑफ एशियंस के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आप सोच रहे होंगे कि आज हमारे सामने बिल्कुल अमिताभ बच्चन जी जैसी पर्सनालिटी कौन बैठी हैं। तो इससे पहले मैं इनका तारुफ करवाऊं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार जैसे मेरा जन्मदिन आया तो मुझे बहुत से तोहफे, बहुत से दुआएँ, बहुत कुछ लोगों ने दिया, चाहने वालों ने, और एक ऐसा मुझे गिफ्ट मिला जिसने वाकई हैरान कर दिया। तो ये था गिफ्ट, यानी कि मेरा बना हुआ एक छोटा सा प्यारा सा बुत। तो ये बनाया श्री चंद्रशेखर प्रभाकर जी ने, जो आज हमारे स्टूडियोज में है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगा कि लंदन में जैसे मैडम तुसाड का म्यूजियम है, बहुत लोगों ने देखा है, जहाँ मोम के पुतले हैं, वैसे ही मोम के पुतले प्रभाकर साहब ने लुधियाना में अपने वैक्स म्यूजियम में बनाए हैं, जो यहाँ पर पेविलियन मॉल में है। इससे पहले आज हम इनसे खास बातचीत करनी शुरू करें, आइए दिखाते हैं आपको वो पुतले और इनका म्यूजियम। दोस्तों, आपने देखे अलग अलग स्टार्स के बहुत से मोम के बने हुए पुतले जो बनाए हैं श्री चंद्रशेखर प्रभाकर जी ने, जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं लुधियाना के, और अचानक शौक पड़ा और उसके बाद लंदन की तरह वैक्स म्यूजियम इन्होंने यहाँ भी बना दिया। तो प्रभाकर जी, वाकई हमारे लिए, लुधियाना के लिए मान की बात है कि आपने लंदन का मुकाबला लुधियाना में कर दिया, और वो भी पेविलियन मॉल को एक मौका दिया। तो पहले हम जानेंगे, सबसे पहले आपका बचपन कहाँ कहाँ पढ़े, कैसे बीता, फिर कैसे आप कारोबार में आए, तो फिर आपका सफर मोम के पुतलों का। सुखविंदर जी, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की फिर बधाई देता हूँ। थैंक यू जी। और जैसे आपने जो तोहफे की बात की है जी, तो इसके बारे में पहले बताना चाहूँगा कि मैं पिछले दिनों अमेरिका में सेंटा बावरा बीच पे घूम रहा था, तो वहाँ पर ये मैंने कंसेप्ट देखा। अमेरिका में लोग ऐसे ऐसे नए नए तरह के गिफ्ट देने का आदी हैं, शौकीन हैं, वो वहाँ पर गिफ्टिंग का बहुत रिवाज है, और वहाँ पर जितने क्वेश्चंस होते हैं तो वो गिफ्ट देते हैं जी। अब उन्होंने एक ऐसा गिफ्ट ढूंढा कि भी जो बिल्कुल यूनिक हो। तो जब मेरे को आपके जन्मदिन के बारे में पता चला तो मैंने कहा ये सुखविंदर जी भी हमारे एक यूनिक आदमी हैं, लुधियाने की शान है, लुधियाना के नहीं हिंदुस्तान की शान है, तो मैं भी इनको कुछ ऐसा ही गिफ्ट दूँ
क्या बात है। तो वो मैंने गिफ्ट आपको इसलिए पेश किया है और आपने कबूल किया और अच्छा लगा आपको, मेरे लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। आई एम फीलिंग ऑब्लाइज ऑफ यू एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर एक्सेप्टिंग मी हियर। बाकी रह गई कि वैक्स म्यूजियम के बारे में आप जैसे पूछ रहे हैं जी, मैं बचपन में मिट्टी के खिलौने बनाता था जो मेरी नानी मेरे को बनाना सिखाती थी जी। शी वाज ए क्राफ्ट टीचर, तो शी यूज टू टेल मी भी ये देखो ये आम बन गया, ये शरीफा बन गया, ये गुलाब जामुन बनाओ, ये बर्फी बनाओ, ऐसे छोटे छोटे थे प्राइज बनाता था। बट एट दैट मोमेंट कभी सोचा नहीं था कि मोम के पुतले देखने का मौका मुझे मिलेगा। इत्तेफाक से 2000 में मेरे को लंदन जाने का मौका मिला और मैंने वहाँ पर मैडम तुसाड का वो भव्य म्यूजियम दैट इज वर्ल्ड फेम वो देखने का मेरे को मौका मिल गया। एंड आई वाज स्टंट टू सी भी ऐसे भी पुतले होते हैं कि वो देखने में एकदम जीवित लगते हैं, एकदम लाइव भी, बिल्कुल आंखें भी देख रही हैं, बाल भी उनके, सो दे वर लुकिंग वेरी नेचुरल। तो मैंने सोचा काश ऐसा एक म्यूजियम हमारे हिंदुस्तान में भी हो जी। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की भी आप हिंदुस्तान में भी बनाओ, क्योंकि हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कला के क्षेत्र में, जिन्होंने इंडस्ट्री के क्षेत्र में, वो लोग जिन्होंने देश के लिए आज़ादी के लिए शहादत दी, वो जो राजनीति के साथ आगे बढ़े, सो ये सारी चीज़ें फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री एंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री जिन लोगों ने किया है, महात्मा गांधी जी हैं, शहीद आदम भगत सिंह हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं और बहुत सारे, तो ऐसे लोग, उन लोगों को बच्चे देखे और उनसे प्रेरणा लें, तो फिर इसलिए मैंने ये वैक्स के स्टैचू बनाने शुरू किए। आप एक स्टैचू को कितने दिनों में बना लेते हैं? हाँ ये ना एक्चुअली देखिए लंदन में तो पूरी टीम है जी और उनके पास बहुत फैसिलिटीज है, जैसे मान लो आपका स्टैचू बनाना है तो आपको वहाँ पर स्टूडियो में बुलाएंगे, 245 मेजरमेंट लेंगे, उसके बाद आपका पुतला बनेगा और कम से कम 100 डिफरेंट एंगल से फोटोग्राफ्स, और बनाने के लिए अलग अलग वहाँ पर चैप्टर्स हैं, कोई क्ले का बनाता है, कोई उसके ऊपर उसको उसकी डाई बनाता है, कोई उसके ऊपर फिर मेकअप करता है, कोई उसको वैक्स में कास्ट करता है, सो दीज आर सो मैनी, उनके बहुत सारे हैं, तो वो कम से कम 3-4 महीने उनको भी लग जाते हैं बनाने जी, में जी। मगर मैं यहाँ पर सारा कुछ अकेला करता हूँ और मेरे पास कभी कोई सेलिब्रिटी नहीं आया जी, जिसको मैंने नाप के बनाया वो भाई ये इसका मेजरमेंट है, तो सो ऑल आई एम मेकिंग फ्रॉम दिस स्पेकुलेशन, सिंगल डायमेंशन फोटोग्राफ से मैं 3 डायमेंशन क्रिएट करता हूँ। ये मेरी नानी का और मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद है, आप दोस्तों का प्यार है कि मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ। आई डोंट कॉल माई सेल्फ ए परफेक्ट आर्टिस्ट, तो मैं तो कई बार कहता हूँ मैं आर्टिस्ट हूँ ही नहीं, मैं तो एक वो एक नौसिखिया हूँ। आपने बात की कि आपके पास कोई सेलिब्रिटी नहीं आया, आप भूल रहे हैं शायद फिरंगी फिल्म लगी, फिर कपिल का पुतला बना, फिर चर्चा हुई, फिर कपिल आपके पास वहाँ पे आए। नहीं वो दैट यू आर राइट, हाँ कपिल शर्मा जी आए थे एक्चुअली, जब उन्होंने मेरे को कपिल की जब फिल्म पहली फिल्म आई जी, तो उसको प्रमोट करने के लिए, उसको गुड विशेज देने के लिए मैंने उसका स्टैचू बनाया था दूल्हे के रूप में। हाँ जी। अब जब दूल्हे के रूप में स्टैचू बना और सारा मीडिया ने उसको टेलीकास्ट किया, तो उसके बाद कपिल शर्मा ने मेरे को इन्वाइट किया भाई आप मेरे शो में आओ, मैं आई वॉन्ट टू ऑनर यू अंकल, सो आई वेंट देयर। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने उसे कपिल से बोला बेटा अगर लुधियाना कभी आने का मौका मिले तो यू प्लीज़ विजिट माई स्टूडियो, तो चांस की बात है। उसके बाद अब उसको मौका मिला आने का, मगर वो मतलब बिफोर मेकिंग द स्टैचू इट वुड हैव कम, सो आई कुड हैव मेड मोर बेटर। अभी कपिल की शादी पे भी आप कुछ करने जा रहे हैं, पता लगा है? मेरी एक्चुअली मेरी तो बहुत इच्छा थी मैं उसकी शादी में जाऊँ, मगर उसकी लिमिटेशन है, कपिल की बहुत सारी लिमिटेशन है, दो ही वॉन्टेड मी टू गो देयर बट ही हैज गॉट लॉट ऑफ लिमिटेशन, बहुत लोगों को बुलाना है, बहुत लोगों का ध्यान रखना है, वो वहाँ सिक्योरिटी पॉइंट भी है, सो मैनी थिंग्स आर देयर। सो मेरी प्लानिंग है अभी कपिल शर्मा का जो हमारे पास स्टैचू है उसी को दूल्हा का रूप देख के दोबारा, तो उसको हम सेलिब्रेट करेंगे कपिल शर्मा को मुबारकबाद देने का, ये मैं सोच रहा हूँ। और ये बात एशिया वॉइस से सबसे पहले मैंने शेयर की है, अभी तक और किसी को पता नहीं इसके बारे में। वाकई प्रभाकर साहब बहुत अच्छी बातें हैं आपसे सुनने को मिल रही है और खूब दर्शकों का भी दिल लगा होगा इस वीडियो को देखते देखते। तो आपने कितने सेलिब्रिटीज के वहाँ पर सभी पुतले बना के रखे हैं मोम के? मैं तकरीबन 60 स्टैचूज बना चुका हूँ अभी तक, और तकरीबन 10 साल में। कौन-कौन मेन है इनमें? मेन में जैसे अभी आपको बताया था अमिताभ बच्चन जी का मैंने करोड़पति का सीन बनाया हुआ है। क्या बात है। उधर ऐश्वर्या राय जी आपके साथ सेल्फी कर रही है, उधर लता जी खड़े हैं, सलमान खान जी, ऋतिक रोशन, आमिर खान, ओबामा, मोदी साहब, कपिल शर्मा जैसे बताया, गुत्थी का बनाया है,
मेरा तो प्लानिंग था कपिल शर्मा के सारे आर्टिस्ट जितने हैं उनका बनाया जाएगा, क्योंकि वो उसका मेरे को शो बहुत प्यारा लगता है जी। वो ऐसा है कि दुख निवारण शो है, लोगों को इतना हंसाता है और लाविंग थेरेपी का वो जीता जागता एक सबूत है, तो इसलिए मैं आई वाज वेरी मच आफ्टर दैट। यानी कहने की बात है कि जिस इंसान के साथ ये उसके मन में एक तमन्ना हो कि किसी सेलिब्रिटीज को मिलना है, तो एक साथ वो कम से कम 60 सेलिब्रिटीज को मिल सकता है। बिल्कुल, अगर वो आपके जो वैक्स म्यूजियम में आता है लुधियाना में, जो यहाँ पे मॉल है पेविलियन मॉल फाउंटेन चौक के पास, वहाँ पे आता है, तो दर्शकों फिर आपको टाइम गंवाना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे हमारी टीम में वॉइस ऑफ एशियंस में हमारा एक रिपोर्टर है, बहुत जामबाज रिपोर्टर है, लव सिद्धू, तो वो हर एक सेलिब्रिटी के साथ फ़ोटो खिंचवा लेता है, पर मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ती है। तो आपको मेहनत बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी, सीधे पवेलियन मॉल पे लैंड करिए आप, सीधे पहुंचिए वैक्स म्यूजियम प्रभाकर साहब का, और एंटर करके 60 सेलिब्रिटीज़ के साथ आप अपनी फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं। तो आने वाले टाइम में क्या क्या योजनाएं हैं प्रभाकर साहब? अभी एक्चुअली थोड़ा मैं हेल्थ पॉइंट से थोड़ा कमज़ोर हो चुका हूँ, तो अब उतनी जल्दी, और कुछ सर्दियों में जो हाथ हैं वो उतना काम नहीं करते जी, तो अभी आने वाले समय में मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कुछ ऐसे और सेलिब्रिटीज के स्टैचू जो मेरे दिल के करीब हैं उनके पुतले। क्या बात है। एक चीज़ और बताना चाहे कि प्रभाकर साहब बहुत अच्छा गाते भी हैं, तो आजकल बहुत सी महफिलों में इनके गीत भी सुनने को मिलते हैं, और व्हाट्सएप पे तो इनका गीत ये भेज ही देते हैं कोई ना कोई। तो प्रभाकर साहब जाते जाते दो लाइनें आपके किसी मनपसंद गीत की हो जाए। रोशन तुम्ही से दुनिया, क्या बात है, रौनक हो दो जहां की, वाह, हर दिल में बसने वाले, वाह, राजा हो गुलसितां के, सलामत रहो, क्या बात है, सलामत रहो, वाह, सलामत रहो, क्या बात है, बहुत बढ़िया, हैप्पी बर्थडे, क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू थैंक यू। आपने तो गीत को बहुत अच्छे ढंग से बहुत बढ़िया बना के मोल्ड कर दिया, बहुत खूब। तो प्रभाकर साहब आपने आज हमारे चैनल वॉइस ऑफ एशियंस को अपना खास समय दिया, और बहुत अच्छा आपने गिफ्ट भी हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों बताइएगा कि कैसी लगी आपको आज की ये इंटरव्यू, और इसको दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अब तक हमारा चैनल वॉइस ऑफ एशियंस सब्सक्राइब नहीं किया तो मत भूलिएगा, अभी भी वक्त है, ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको और भी मनोरंजक चीज़ें दिखाते रहें। फिर मिलते हैं आप बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार। तो हमारे यहाँ पे रवायत है कि हमारे पास जो भी आता है हम भी उसको एक पौधा एक तोहफा देके भेजते हैं, तो आपके लिए भी ये प्यार भरा तोहफा। धन्यवाद, शुक्रिया।